Hello guys, I'm again back with a mini vlog. So here I am. This is Aditi and watching Hobo Traveler Official. So आज मैंने एक टीओ गिफ्ट किया मेरे हस्बैंड को. सो जो भी बॉयज हैं मेरे चैनल में आप देख सकते हो, दिस टीओ रियली हेल्प्स. एंड ऑल्सो एक बॉम्बे शेविंग कंपनी से शेविंग फोम ऑर्डर किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, ही लाइक दैट. तो ये मैं रेडी हो गई थी एक तम ही घर का कपड़ा जैसे पहन के जाता है ना, वैसे ही मैंने पहन लिया था बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग आउट. तो ये मेरा हस्बैंड था, उसके बाद वी वर गोइंग आउट समवेयर जस्ट टू यू नो गेट सम फ्रेश एयर. तो उसके बाद हम निकल गए अपने स्नैक्स पार्टी के लिए. सो वी थॉट टुडे विल गो फॉर अ स्नैक्स पार्टी ओनली मी एंड हिम. तो उसके बाद मैं लाइक नीचे वो अपना हमारा जो बज है उसको रेडी कर रहा था. तो तब तक मैं थोड़ा सा आपको मेरी सोसाइटी दिखा रही थी. सो यस, अभी हम जा रहे हैं. ओके, जनरली इतना अंधेरा नहीं रहता है बिकॉज अभी यहाँ पे बारिश हो रही है दो दिन से. तो यू नो द लाइट्स, ऑल द लाइट्स आर नॉट वर्किंग, तो इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा है, बट इतना अंधेरा नहीं रहता है जनरली. तो अभी जो है, अभी हम अपने सोसाइटी से निकल के मेन रोड पे आ रहे हैं. एंड इसके बाद वी विल बी गोइंग टू द स्नैक सेंटर. तो हम उसी स्नैक सेंटर में जाते हैं बिकॉज बहुत अच्छा बनाता है. और मिडवे में ट्रैफिक, दिल्ली में ट्रैफिक, गुड़गांव में ट्रैफिक इज़ मतलब यहाँ पे ट्रैफिक तुम्हारे नस नस में हो जाएगा. सो ये वो मार्केट है जहाँ पे हम हमेशा स्नैक्स खाने जाते हैं. सो दिस इज़ सेक्टर 40 का मार्केट, इट्स इन गुड़गांव. तो अब अगर आप कभी विजिट कर रहे हो, कैन विजिट दिस प्लेस. ये हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है. तो यहाँ पे हमने एक आलू टिक्की का प्लेट बोला था. तो ये जनरली हमारे लिए नहीं है इतने सारे, बाकी और भी जन ने ऑर्डर किया था. तो एक दही वड़ा और एक आलू टिक्की प्लेट बोला था मैंने. तो इन्होंने पहले इतना दही भर के दिया और इनका प्लेट जो है ना दही से ओवरफ्लो हो रहा था, तो मैंने थोड़ा रख लिया. फिर हम दोनों ने दही वड़े खाए जब तक आलू टिक्की रेडी हो रहा था. फिर दही बड़ी खा के एंड ये कैमरा थोड़ा मैंने अलग टाइप का जगह में रखा था. उसके बाद आलू टिक्की आ गया था, आलू टिक्की खाया. बट मैंने आलू टिक्की नहीं खाया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया था. मैं ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा शुगर शुगर नहीं खाती हूँ. जहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो है ना प्यास लगी थी, तो मैं छोटा सा पानी का बॉटल लेने गई थी बट पानी का बॉटल नहीं मिला, तो मैंने एक निम्बूज उठा लिया उसके लिए. तो लेट्स सी वो निम्बूज पिएगा कि नहीं पिएगा, क्योंकि उसको तो पानी पीना था. फिर हम थोड़ा सा इधर उधर घूमे, इधर उधर देखे, थोड़ा घर वर का सामान लिया और फिर वापस आ गए. तो ये थोड़ा मेरे घर से दूर है बट इट इज़ वर्थ इट. लाइक कि हाँ, वहाँ पे स्नैक्स खाने जाना इज़ वर्थ इट. सो आप 100 रुपये का पेट्रोल यूज़ करो और जाओ. फिर हम घर आ गए. फिर अभी बहुत मतलब पानी हमें भर के रखना है क्योंकि ठंडा पानी के अलावा यहाँ पे यू जस्ट कैन नॉट स्टे. तो मैं घर आई तो मैंने सारे पानी जो है वो भर लिया. तो यूजुअली हमारा एक्वागार्ड था बट एक्वागार्ड अभी मैंने वापस कर दिया, तो अभी हम ऐसे ही पानी वो करते हैं. उसके बाद हमने इतना ज़्यादा स्नैक्स खा लिया था कि हमारा पेट भर गया था. तो मैं जो आलू मतलब जीरा आलू की सब्जी बना के गई थी, तो मैंने वो आके फ्रिज में डाल दिया बिकॉज नहीं तो वो ख़राब हो जाता, तो वो हम कल खा सकते हैं. तो मैंने ये जो है ये फ्रिज में डाल दिया. उसके बाद मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखा, फिर मैं जाके आराम से सो गई बिकॉज यू नो ना मैं थोड़ा थक भी गई थी, तो मैं जाके थोड़ा सा सो गई. वैसे ये मेरा किचन है, अगर आप देखना चाहो बहुत छोटा सा किचन है बट हम दोनों के लिए काफ़ी है. तो बाय गाइस, गुड नाइट. अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब.